गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज कोलोइड्स। हाँ, हमने पढ़ा था ना सॉल्यूशन, हमें तीन टाइप के पढ़ने हैं, ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है, दूसरा कोलोइडल सॉल्यूशन एंड तीसरा सस्पेंशन। तो सस्पेंशन लास्ट क्लास आपके वीडियो लेक्चर में डिस्कस हो गया था, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कोलोइड्स। तो चलिए पहले हम डिस्कस करेंगे कोलोइड्स क्या होते हैं, डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे, बाकी फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली इसे क्या मतलब है। तो देखिए, देखते हैं, कोलोइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। कोलोइड वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कि जो सॉल्यूट है यानी कि जिसको आपने मिक्स किया है उसकी साइज इंटरमीडिएट होती है, यानी कि बीच में, ना काफ़ी बड़ी ना काफ़ी छोटी। बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशंस एंड दोज इन सस्पेंशन, क्योंकि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जबकि सस्पेंशन में 100 टाइम्स क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं। अब बात कोलोइड्स की अगर हम करें तो जो कोलोइड्स बनते हैं उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो कोलोइड्स के सस्पेंशन के सॉल्यूट पार्टिकल से तो छोटे होते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल से क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन वो थे जिसमें कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स बिल्कुल छोटे थे, सस्पेंशन वो थे जिसमें बड़े थे। अब मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज ट्रू सॉल्यूशन वाले से तो बड़ी है लेकिन सस्पेंशन वाले से छोटी है, तो ऐसे जो सॉल्यूशन बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोलोइड्स बोलते हैं। क्लियर है? द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ कोलोइड इज बिगर देन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। कोलोइड्स के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स की साइज से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जबकि स्मॉलर देन द दोज ऑफ अ सस्पेंशन। जबकि अगर आप सस्पेंशन से कंपेरिजन करें तो कोलोइड्स के सॉल्यूट पार्टिकल्स की साइज सस्पेंशंस के सॉल्यूट पार्टिकल्स की साइज से क्या होती है, छोटी होती है। नेक्स्ट, द कोलोइड्स अपीयर टू बी होमोजीनस टू अस बट एक्चुअली दे आर फाउंड टू बी हेट्रोजीनस। आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि कोलोइड्स क्या है, होमोजीनस हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, दे आर हेट्रोजीनस इन नेचर वेन ऑब्जर्व थ्रू अ हाई पावर माइक्रोस्कोप। जब आप बहुत ही एडवांस क्वालिटी के माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, ये होमोजीनस की तरह दिख रहा था लेकिन ये होमोजीनस नहीं है, दिस इज हेट्रोजीनस इन नेचर। सो अ कोलोइड इज नॉट ट्रू अ सोल्यूशन। हाँ, इसका मतलब कोलोइड एक ट्रू सोल्यूशन नहीं है, वो तो हमें भी पता है, ट्रू सोल्यूशन वो होते हैं जो होमोजीनस होते हैं नेचर में। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कोलोइड्स और कोलोइडल सोल्यूशंस आर सोप सोल्यूशन, स्टार्च सोल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड, जेली एंड सोल्यूशंस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। कोलोइड्स आर ऑल्सो नोन एज कोलोइडल सोल्यूशन। तो आपने कोलोइड की डेफिनेशन तो लिख ली होगी, अब आप क्या करेंगे, आप एग्जाम्पल्स लिख लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ जाए कि कोलोइड्स कुछ एग्जाम्पल बताइए तो आप क्या क्या बोल सकते हैं, स्टार्च सॉल्यूशन बोल सकते हैं, सोप सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ब्लड बोल सकते हैं, मिल्क बोल सकते हैं, इंक बोल सकते हैं, जेली बोल सकते हैं और सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक का मतलब आर्टिफिशियल, जो मैनमेड हो, डिटर्जेंट्स तो आप जानते ही हैं। चलिए आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलोइड। अब हम कोलोइड्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा। इफ यू शेक सम सोप पाउडर विथ वाटर, अब मान लीजिए मेरे पास कुछ सोप है, ठीक है, उसका पाउडर फॉर्म, ऐसे जनरली आपके घर पे तो नहीं मिलेगा लेकिन आपको डिटर्जेंट पाउडर मिल जाएगा, आप मान लीजिए वही ले लिए और आप उसको वाटर में लेके मिक्स कर दिए, देन यू विल गेट अ सोल्यूशन, आपको कोई एक सोल्यूशन मिलेगा, वो सोल्यूशन कैसा होगा, कोलोइडल सोल्यूशन होगा, विच इज़ नॉट परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, जो कि पूरी तरह से 100% ट्रांसपेरेंट नहीं होते, वो कैसे होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं।
इट इज़ समवॉट ट्रांसलूसेंट, आप कह सकते हैं कि ये लगभग ट्रांसलूसेंट हैं। द सोप पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाई अस, आप उसमें जो सोप के पार्टिकल्स आपने मिक्स किया वो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। इफ द सोल्यूशन इज केप्ट फॉर सम टाइम द सोप पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, तो आपने क्या किया, आपने कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए उसको वैसे ही छोड़ दिया बिना डिस्टर्ब किए। तो जनरली क्या होता है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, वो क्या होते थे, बॉटम लेयर में आके सेटल डाउन हो जाते थे, इकट्ठा हो जाते थे। इसमें ऐसा नहीं हुआ, यानी कि जो एक बार मिक्स हो गया वो उसी पार्टिकल्स के फॉर्म में मिक्स्ड अभी भी है। इसका हम क्या कह सकते हैं, इट इज क्वाइट स्टेबल, इसका मतलब ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो क्या है, क्वाइटली स्टेबल है। इफ यू फिल्टर द सोप सॉल्यूशन, द होल सॉल्यूशन पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर एंड नो रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड, शोइंग दैट इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब आपने फिल्टर पेपर ले लिया और फिल्टर पेपर की हेल्प से आपने उस सोप वाटर को छानने की कोशिश की, अलग करने की कोशिश की, कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ। हाँ, वाटर के साथ साथ सोप के जो पार्टिकल्स थे वो भी पास हो गए, इसका मतलब आप फिल्ट्रेशन मेथड यूज नहीं कर सकते। ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट सोप एंड वाटर मिक्सचर इज अ ट्रू सॉल्यूशन, ये सब ऑब्जर्वेशंस है, जो एक्सपेरिमेंट है ये हमें बस ये बता रहे हैं कि जो भी सोप और वाटर का मिक्सचर है वो कैसा है, ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि ये तो हेटरोजीनस होते हैं नेचर में। कैसे पता चला, जब आपने एक्सपेरिमेंटली इसको हाई पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक डिवाइस से देखा तब, अभी आगे देखिए, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय अ सोप सॉल्यूशन एंड द एग्जामिनेशन ऑफ सोप सॉल्यूशन अंडर अ हाई पावर माइक्रोस्कोप हाउएवर सो दैट सोप सॉल्यूशन इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन जब हमने इसी सोप सॉल्यूशन से लाइट को पाथ को, हाँ मतलब लाइट की बीम को पास कराया, तो हमने नोटिस किया कि जो पाथ ऑफ लाइट था वो विजिबल हो गया और उसके जो बीम ऑफ लाइट के वे जा रही थी, रास्ते थे, वो क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इसका मतलब हाँ, दे आर नॉट ट्रू सॉल्यूशन। और दूसरा क्या प्रमाण था उसका, दूसरा प्रूफ ये था कि जब आप हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपके उनके सॉल्यूट के पार्टिकल्स आराम से विजिबल हो जाते हैं। दिस पॉइंट विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन, अभी ये चीज़ हो सकता है आपको पूरी तरह से क्लियर ना हो, तो उसके लिए अभी हम नीचे जो दी गई पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, इन अ ट्रू सॉल्यूशन लाइक शुगर सॉल्यूशन द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट स्कैटर और रिफ्लेक्ट द लाइट रेज फॉलिंग ऑन देम। हाँ, ट्रू सॉल्यूशन चाहे वो सॉल्ट सॉल्यूशन हो या शुगर सॉल्यूशन हो, जब भी हम उससे बीम ऑफ लाइट पास कराते हैं तो स्ट्रेट पास कर जाता है, उसका पाथ चेंज नहीं होता, यानी कि रिफ्लेक्शन आपको देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो चाह कर भी उसके पाथ को डाइवर्ट नहीं कर पाते। आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ अ बीम ऑफ लाइट, चूँकि हम टॉर्च की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं, इज पुट ऑन अ ट्रू सॉल्यूशन दैट इज सॉल्टी और शुगर सॉल्यूशन केप्ट इन अ बीकर इन अ डार्क रूम, द पाथ ऑफ लाइट बीम इज इनविजिबल इनसाइड द सॉल्यूशन। अगर आपने उसको जलाने की कोशिश की तो बाहर तो आपको लाइट जो जा रही वो दिख रही होगी, लेकिन जब वो सॉल्यूशन के अंदर जाएगी तो वहाँ पर उसका रास्ता दिखेगा नहीं, सॉल्यूशन उस पार भी दिखेगा, सॉल्यूशन के इस पार भी दिखेगा, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर वो विजिबल नहीं होती है। अब देखिए, when seen from the side, the beam of light can become visible only when the solid particles are big enough to reflect light falling on them. अच्छा, वो जो beam of light की पाथ है वो तभी visible होती है जब कि solute के जो particles हैं solution के अंदर उनकी size इतनी बड़ी हो कि वो जो light की beam आ रही है उसको deflect कर सके, उनके पाथ change कर सके या फिर वो उनको reflect कर सके। आगे देखिए,
सिंस द पार्टिकल ऑफ ट्रू सोल्यूशन डू नॉट स्कैटर द लाइट. इसका मतलब आप ये नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स की साइज बिल्कुल भी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते, उनको उनके रास्ते से चेंज नहीं करते. वी कंक्लूड दैट दे मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रू सोल्यूशन के जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उनकी साइज बहुत बहुत ही छोटी होती है. एक्सपेरिमेंट आपके सामने है, ये डायग्राम आप अपने नोटबुक में बनाएंगे. देखिए एक टॉर्च है, टॉर्च को जलाया गया तो यहाँ से लाइट निकली, ये सब लाइट है, ये है हमारा एक सॉल्यूशन. ठीक है, जब ये लाइट यहाँ पे इंटर की तब देखेंगे यहाँ तक तो लाइट का पाथ विजिबल है, यहाँ भी विजिबल है, लेकिन ये जो इसके अंदर की लाइट गई है वो पाथ विजिबल नहीं था. इसका मतलब ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स इसके अंदर हैं उनकी साइज क्या है, बहुत ही छोटी है. इट मीन्स इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सोल्यूशन. चलो ये किसका सोल्यूशन होगा, कैसा ट्रू सोल्यूशन होगा, यानी कि होमोजीनस होगा नेचर में. दूसरा देखिए, अगर आपको दिख रहा है ध्यान से तो ये देखिए यहाँ तक तो आपका पाथ विजिबल है, ऊपर भी था, यहाँ भी विजिबल है, ऊपर भी था, लेकिन जब उस सॉल्यूशन के अंदर हमने देखा था तो ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हमें दिख रहे थे, ना कि लाइट. जबकि अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो गया, ये पाथ आपको विजिबल हो जाएगा, वो दिखाई पड़ेगा. इसका मतलब क्या, हाँ इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है उनकी साइज क्या है, बड़ी है एज कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन. तो ये ट्रू सॉल्यूशन तो नहीं हो सकते, तो फिर ये कौन से सॉल्यूशन है, दिस इज कोलोइडल सॉल्यूशन, या आप इसको क्या कह सकते हैं, कोलोइड्स कह सकते हैं. और एग्जांपल में हमने किसको लिया था, सोप सॉल्यूशन को. तो बताइए सोप सॉल्यूशन होमोजीनस या ट्रू सॉल्यूशन होंगे या नहीं, कोई चांस ही नहीं है. चलिए आप दोनों डायग्राम बना लेंगे, आगे देखते हैं. इन अ कोलोइडल सॉल्यूशन और कोलोइड द पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट, ये हमारा सेकेंड पॉइंट आप लिख लेंगे. जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है या कोलोइड्स होते हैं उसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स की साइज होती है वो इतनी बड़ी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं होती लेकिन एटलीस्ट इतनी बड़ी होती है कि जो बीम ऑफ लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर सके. आगे देखिए क्या दिया है, दिस कैन बी शोन एज फॉलो, इफ अ बीम ऑफ लाइट इज पुट ऑन अ कोलोइडल सॉल्यूशन. अगर एक बीम ऑफ लाइट कहाँ पड़े, कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर, जैसे आप क्या ले सकते हैं, सोप सॉल्यूशन ले सकते हैं, केप्ट इन अ बीकर इन अ डार्क रूम, आप एक अंधेरे वाले रूम में आप बीकर में लेके रख के इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें तो आप पाएंगे कि द पाथ ऑफ लाइट बीम इज इल्यूमिनेटेड एंड बिकम्स विजिबल व्हेन सीन फ्रॉम द साइड. तो आप नोटिस करेंगे कि जब ये बीम ऑफ लाइट सॉल्यूशन से पास करती है तो वो जो सॉल्यूशन के अंदर की पाथ वो विजिबल हो जाता है, वो दिखने लगता है आपको. इसका मतलब कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं सोप सॉल्यूशन में वो दे आर बिग इनफ टू रिफ्लेक्ट द लाइट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द प्रूफ दैट कोलोइडल सॉल्यूशन इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन. देखिए द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल बिकॉज द कोलोइडल पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट फॉलिंग ऑन देम इन ऑल डायरेक्शन. जो लाइट की पाथ है वो आपको विजिबल हो जाएगी, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े हैं कि वो लाइट बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. दिस स्कैटर्ड लाइट इंटर्स आवर आईज एंड वी आर एबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट बीम. और इस तरह से जो वो रिफ्लेक्शन करते हैं वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आईज पे आती है, रेटिना पे उसकी इमेज बनती है और हम फील कर पाते हैं. द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलोइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. अब आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट करके आप इसको लिखेंगे और ये आपको याद भी होना चाहिए. ठीक है, क्या होता है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलोइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. कोई भी सोल्यूशन हो, ट्रू सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकते, दो ही टाइप के सोल्यूशन होंगे, कौन कौन से, कोलोइडल सोल्यूशंस और सस्पेंशन. जब आप इन सोल्यूशंस में क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट पास कराते हैं तो वो जो लाइट होती है उसकी पूरी बीम ऑफ लाइट को
वो रिफ्लेक्ट करते हैं, स्कैटर करते हैं, और इस प्रोसेस को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय अ कोलोइडल सॉल्यूशन टेल्स अस दैट द कोलोइडल पार्टिकल्स आर मच बिगर देन द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। और इस टिंडल इफेक्ट की हेल्प से आप इतना कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं कहाँ पे, कोलोइड्स के अंदर, उनकी साइज ट्रू सॉल्यूशंस के सॉल्यूट पार्टिकल की साइज से काफ़ी बड़ी होती है, एंड हेंस कोलोइडल सॉल्यूशंस आर नॉट ट्रू सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्लियर है कि कोलोइडल सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। सो अ ट्रू सॉल्यूशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ कोलोइडल सॉल्यूशन बाय द फैक्ट दैट द ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, बट कोलोइडल सॉल्यूशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड रेंडर्स इट्स पाथ विजिबल। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोई भी सॉल्यूशन आप कैसे पता करेंगे कि वो ट्रू सॉल्यूशन है या नहीं, तो आप कहेंगे सर हम उस पर बीम ऑफ लाइट पास कराएंगे। अगर बीम ऑफ लाइट पास कराने से बीम ऑफ लाइट स्कैटर हो जाता है, रिफ्लेक्शन होती है, या फिर सॉल्यूशन के अंदर पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाती है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, और टिंडल इफेक्ट अगर वो शो कर रहा है तो ट्रू सॉल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे जहाँ तक हमने अभी आपको टिक किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक। इन अदर वर्ड्स अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट बट अ कोलोइडल सॉल्यूशन शोज टिंडल इफेक्ट। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर उसने टिंडल इफेक्ट शो किया तो वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, और अगर उसने टिंडल इफेक्ट शो नहीं किया तो वो ट्रू सॉल्यूशन ही है। द पार्टिकल्स ऑफ सम ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन कैन बी सीन थ्रू अ हाई पावर माइक्रोस्कोप। हाँ, और कोलोइडल पार्टिकल्स के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप हाई पावर माइक्रोस्कोप के यूज करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ अ ड्रॉप ऑफ मिल्क इज एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप वी कैन सी द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फैट फ्लोटिंग इन द लिक्विड। आपने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब पढ़ रखे होंगे ना न्यूट्रिएंट्स के बारे में। जैसे ही आप अगर एक बूंद मिल्क को हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाकर रखें स्लाइड की हेल्प से और देखें, तो आपको इस मिल्क में जो फैट होता है वो आपको चारों तरफ तैरता हुआ दिखाई पड़ेगा। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट कोलोइड्स आर हेट्रोजीनस इन नेचर दो दे अपीयर टू बी होमोजीनस। ये बात और है कि आपको बाहर नेक्ड आई जब खुली आंखों से ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा, आप देखेंगे तो लगेगा कि होमोजीनस हैं। आप दूध देखिए, आपको दूध देख के लगेगा कि तो चारों तरफ से सेम कलर, सेम टेस्ट, सब कुछ है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? तो बस आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स डिस्कस करेंगे और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।